नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे। मैं पहुंच चुका हूं पानाराम जी के पास। पानाराम जी आज मेरे को टाटी का जो ढांचा है वो कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताएंगे, और उसके बाद में मेरे को जो लैंप होता है, जो लाइट वगैरह का लैंप होता है, उसका वीडियो बताएंगे कि किस प्रकार से लैंप बनता है। तो आज का वीडियो हमारा लैंप का और टाटी के ढांचे का रहेगा। पानाराम जी जो है किस प्रकार से बनाते हैं, तो मैं पानाराम जी का लाइव वीडियो बताऊंगा, और पानाराम जी इस समय बांस को बताएंगे कि कितनी बांस से ढांचा तैयार होता है। तो अभी मैं ढांचे की तैयारी चल रही है, तो पानाराम जी से अभी मैं मुलाकात कराता हूं आपकी कुछ ही देर में। मैं ऐसा ढांचा बनाऊंगा कि वो अपना आप मेरे दिमाग से निकल जाता है। जो ये ढांचा है, ये वाला भाई, एक बार नाप लूंगा उसके बाद दूसरा नाप नहीं है मेरा, एक ही नाप से काम हो जाएगा। देखो कितनी अच्छी कारीगरी है इनकी, ये बता रहे कि मैं एक बार नाप लेता हूँ, दोबारा नाप नहीं लेता। दोबारा नाप लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। ढांचा तैयार कर रहे हैं, उसके लिए बांस उठा रहे हैं। और कितनी ये जो टाटी का जो बनाते हो आप, इसको क्या बोलते हैं? ये बेसन बनाया क्या, ये वाला जो सामने है जो ये। अच्छा, तो ये इस प्रकार का बनाएंगे, तो देखो कितनी कितनी अच्छी फिनिशिंग है इनकी, बहुत ही ज़बरदस्त फिनिशिंग है, बिल्कुल गेप भी नहीं है इसके अंदर, और इतनी अच्छी फिनिशिंग से ये बनाते हैं। तो आज पूरा लाइव वीडियो रहेगा इनका। तो पानाराम जी, ये नीचे कितने हैं? ये नीचे जो मेरे फुट के हिसाब से जो जो एक एक फुट से जो एक इंच भी कम नहीं है, जैसे जो शुरुआत में कर रहा हूँ वो भी देखते जाइयो, जो मेरी कारीगरी है जो मैं आपको बता देता हूँ। तो आज इनकी कारीगरी, जो अद्भुत कारीगरी का जो जीता जागता पूरा मैन है, जो पूरा मैन है वो मैं बता देता हूँ आपको। ये लिया, वहाँ से पकड़ो, वहाँ से पकड़ो, फीता फीता पकड़ लिया। ये जो फूट है ना, ये फूट का सवाल है, ये फूट के हिसाब से चलेगा, ये फूट के हिसाब से चल गया, एक इंच का फर्क जाएगा इसमें। देखो पाना राम जी बता रहे हैं कि फुट एक एक फुट पे ये पूरा सपोर्ट लगा रहे हैं, एक एक फुट। कई लोग क्या करते हैं, बीच बीच में कम सपोर्ट लगाते हैं, जिससे टाटी में मजबूती नहीं रहती है, पान कोई मतलब भी नहीं रहता उसका। और पानाराम जी बिल्कुल अच्छा सपोर्ट देते हैं, तो ये बिल्कुल इस वीडियो की खास बात ये रहेगी कि पानाराम जी अपनी कारीगरी का एक सबूत बता रहे कि कितना अच्छे तरीके से ये बनाते हैं, और एक बिल्कुल एक गैप भी नहीं रहेगा, फुट बाई फुट पे सपोर्ट दे रहे हैं। तो आप देखेंगे पानाराम जी ने बिल्कुल भी गैप नहीं दिया इनके बीच में, और ये निशान लगा रहे हैं कील के लिए। पानाराम जी ने एक बार निशान लगाया, उसी निशान से बीच बीच में ये कर रहे हैं, और ये देखो बिल्कुल एक अच्छी पहचान है कारीगर की। ये पानाराम जी, ये कितने बाई कितने की बन रही है? ये बन रही है 10.5 बाई 9 की, 8.5 की हाइट है। अच्छा, तो ये कितनी देर में बना दोगे आप? बस ये हो जाएगी, मान लो कि अभी क्या टाइम हुआ है, अभी होगी 2। हाँ, 2 फिक्स हो गए, 2 में 2 मिनट कम है, ठीक हो ना? तो ये हो जाएगी 4 बजे कम्प्लीट। अच्छा, मतलब 2 घंटे में बना दोगे? 2 घंटे बन जाएगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि ढांचा किस प्रकार से बनाया जाता है।
आप जो मेरे पीछे हट देख रहे हैं, ये उस झोपड़ी का ढांचा है जो मेरे को बना के दिखाया है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये ढांचा दिखा है, और इसको बनाने में अभी 4-5 घंटे लग जाएंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपको दूसरा वीडियो भी इसी वीडियो के अंदर दिखाऊँ, क्योंकि फ़िलहाल ये आपने ढांचा समझ लिया और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से बनेगी। तो अब इसमें सिर्फ बांस लगाने हैं और कोई काम नहीं है इसका। तो अभी मैं आपको ढांचा दिखा रहा हूँ कि पानाराम जी ने किस प्रकार से ढांचा बनाया है। तो ये देखिए, ये यहाँ से इन्होंने क्रॉस लेके और नाप दे के पूरा ढांचा बना लिया। हाँ हाँ, बैठ जाओ। और ये इस प्रकार से ढांचा है, और ये जब बनेगा तो कुछ इस प्रकार से ये दिखाई देगा जो कि आप देख रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर हट बनेगी और बहुत अच्छी हट बनेगी, और बिल्कुल कारीगरी को आप देख सकते हैं, बिल्कुल गैप नहीं है इसमें, बिल्कुल हवा भी नहीं आ सकती, इतना गैप नहीं है। इस पर कलर करोगे तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। आज इनका आपको गोदाम भी दिखा रहा हूँ, किस प्रकार से ये गोदाम में सामान वगैरह रखते हैं। तो अभी चलते हैं हम इनके गोदाम की तरफ। तो अभी आप मेरे को देखोगे, ये इनका गोदाम है जिसमें मुड्डे वगैरह रखे हुए, पानी के जो फलडे आते हैं जिसे गांव में फलडे बोलते हैं, और जो बम्बू होते हैं पतले बम्बू, वो खेतों में जो कूचे होते हैं उनसे जो बम्बू होता है उससे किस प्रकार से ये मुड्डे बनाते हैं, और किस प्रकार से ये टी टेबल है जो आप देखेंगे, जो चाय के नीचे जो टी टेबल रखते हैं, किस प्रकार से बड़ी और छोटी टी टेबल भी दिख रही है, और जो बहुत ही बड़ी बड़ी और सुंदर सुंदर डिजाइन में इन्होंने बनाए। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये मुड्डे और टी टेबल दिखाई देगी। तो ये पूरा की पूरा गोदाम इनका भरा हुआ है अभी, क्योंकि अब सर्दियां आ चुकी है और डेजर्ट वगैरह में इनके ऑर्डर अवेलेबल हो जाते हैं इनको, और काफ़ी मेले वगैरह लगेंगे तो उनमें भी ये जाके सेल करते हैं मेले वगैरह में। दिया हुआ है बहुत ही है, ये गीले बम्बू से बनते हैं, जो पतले बम्बू होते हैं जिसे फलडे कहते हैं, कूचे के अंदर होते हैं, तो उसकी कूचे की फलडे से बनती है ये। आप देख सकते हैं बांस की किस प्रकार से चिराई कर रहे हैं ये। ये कितने इंची का बांस है ये? 1 इंची का है। और इसमें कितनी निकालोगे आप फर्री? जो निकलेगी जितनी देखोगे इसका अंदाजा है नहीं। अच्छा, लेकिन देखोगे बांस के ऊपर है, सब निकलने के बाद में बताएंगे कितना हो रहा है। धारदार औजार से बिल्कुल चिराई कर रहे हैं ये। तो बांस की खपच्ची की किस प्रकार से सफाई की जाती है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से की जाती है और ध्यानपूर्वक की जाती है, नहीं तो बिल्कुल ये फांस अपने हाथों में घुस जाएगी और ये काफ़ी दुख देती है। देखो बांस से बिल्कुल बारीक बारीक इनकी खपच्ची निकालनी पड़ती है, बहुत ही बारीक तरीके से, और ऐसे मान लो बहुत पतली पतली खपच्ची बना रहे हैं, बिल्कुल रस्सी की तरह, बिल्कुल रस्सी की तरह बल खाती हुई रस्सी है की तरह बना रहे हैं। जैसा कि इन्होंने आप देखेंगे बिल्कुल, ये देखो किस हिसाब से, कितनी है ये? 7 है। 7 से बनाओगे? ये देखो 7 है, बिल्कुल पतली पतली है बिल्कुल, और लगभग 8-8, 10-10 फीट की होगी है ना ये लंबी? हाँ 10 की, 10 फीट लंबी है ये, 10 फुट 2 इंची।
देखिए भानाराम जी की मिसेज, ये भी टाटी जो भानाराम जी ने जो ढांचा बनाया था उसको अब ये पूरा कर रही हैं। और भानाराम जी मेरा जो पोर्ट, आज का जो वीडियो था पोर्ट का, वो पूरा बेस तैयार कर रहे हैं। झोपड़ी है उसका जो ये बना रहे हैं पूरा कंप्लीट करके। आपको कितने साल हो गए इनके साथ काम करते? नहीं, शादी को कितने साल हो गए आपके? मेरे शादी को, हाँ मेरे शादी को होगी सोलह साल। इनको तो अपनी शादी की ये भी नहीं मालूम कि कितने साल हो गए। प्यारे लगते हैं। तो ये भानाराम जी देखो पूरा बेस बना रहे हैं किस प्रकार से। भानाराम जी ने ये लैंप बनाया है और इसकी क्या प्राइस होगी? इसकी 250 रुपये है, लेकिन वो मार्केट में जो किट खरीदते हैं उसके लिए 220 रुपये 225 रुपये ऐसे चलता है। इस लैंप की इन्होंने 250 रुपये कॉस्टिंग बताई है, और ये अगर आप क्वांटिटी में लोगे तो 220 रुपये में है ना, 220 रुपये में आपको क्वांटिटी में मिल जाएंगे। ये लैंप आप शादी विवाहों में किसी पेड़ वगैरह पे लट्टू लगा के, बल्ब लगा के, और इसको टांग सकते हैं, या फिर हट के आगे भी अपन टांग सकते हैं। जैसे कि इसे अभी मैं बताऊँ आपको, जो ये हट होती है इसके ये बीच में, एक बार पकड़ना इसको। तो ये देखिए आप इसमें बिल्कुल इसको सेंटर में लगा सकते हैं बल्ब की रोशनी के लिए, और बहुत ही अच्छा बनता है ये। तो ऐसा ऑर्डर भी भानाराम जी लेते हैं, और ऐसा ऑर्डर अगर आप दें तो क्वांटिटी में दें जब ही इनके जा। जी ने मेरे को समय दिया, इन्होंने मेरे को लैंप बना के बताया, और बहुत ही अच्छी इनकी कारीगरी है, और पुश्तैनी कारीगरी है इनकी। इसको इनके बाप दादा बनाते थे 50 साल से भी पुरानी, 50 साल से यहाँ से रह रहे किसान मात्रो मेट्रो स्टेशन। और इनको संपर्क करना हो तो इनके नंबर मैं डाल ही दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो इनसे संपर्क कर सकते हैं।
और ये देखिए पूरी टाटी वगैरह का भी काम चल रहा है इनका, और अब थोड़ा मौसम ख़राब हो चुका है। तो मिलेंगे ऐसी जानकारी के साथ, जब तक के लिए एक बार फिर से जय हिंद दोस्तों।